स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सी एस सी रेनगेडिया। जैसे कि हमने 1.6 किया था, उसका पार्ट वन किया है, अभी आज करेंगे हम पार्ट टू। उसके पहले मैं चाहूँगी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, बेल बटन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोज़ आते रहें, और जो व्हाट्सअप नंबर दिया है आपके बेनिफिट के लिए दिया है, आप बिल्कुल उसमें टेक्स्ट करें। जो भी आपको क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए हम चलते हैं पार्ट टू में। पार्ट वन था आपके पिजेज एरिया विलेज के बारे में, अंबर जारा में, जहाँ फॉरेस्ट में किरण जी भटक गए थे, गुम हो गए थे, और कैसे वो वहाँ से निकले, वो वाला आपका स्टोरी था। अब देखते हैं पार्ट टू का स्टोरी। पार्ट टू के स्टोरी में है शाज जंग इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। जैसे मैंने आपको बताया था, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शाज जंग के जब फर्स्ट वीडियो में, तो अब हम उसकी विस्तार से जानकारी लेते हैं। ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ द नागरहोल, नागरहोल का जो पैंथर, यहाँ पे आपको इस पार्ट में आपको ये भी पता चलेगा कि जो आपके ब्लैक पैंथर है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक पैंथर, वो भी आपको यहाँ मिलेगी साया। ठीक है, चलते शाज जंग हम साथ करते हैं पार्ट टू, ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ द नागरहोल। राइट, शाज जंग इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, बिग कैट ट्रैकर, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीकर एंड लॉज ओनर, ऑल रोल्ड इनटू वन। एक ही इंसान के पास इतने सारे रोल है प्ले करने के लिए। व्हेन ही इज अवे फ्रॉम द जंगल्स ऑफ नागरहोल, ऑफिशियली कॉल्ड द राजीव गांधी नेशनल पार्क, नागरहोल को राजीव गांधी नेशनल पार्क बोला जाता है ऑफिशियली। ही इज लीडिंग फोटोग्राफी सफारीज इन अफ्रीका फॉर और शोकेसिंग हिज वर्क एट आर्ट गैलरीज इन कैपिटल सिटीज एंड स्पीकिंग टू दोज इंटरेस्टेड इन कंजर्विंग द प्लैनेट्स रिचेस। नाउ अगर आपको ये बंदा, यानी हमारे शाह जंग, अगर आपको, जो इनके पास इतने सारे रोल है प्ले करने के लिए, अगर आपको जंगल में ना मिले, नागरहोल के जंगल में ना मिले, जो ऑफिशियली बोलते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क, तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? तो आपको वो मिलेंगे सफारी के जंगल में, या फिर आपको मिलेंगे शोकेस करते हुए अपने आर्ट्स, जो पिक्चर्स बुक क्लिक करते हैं उनको शोकेस करते हुए दिखाई देंगे आर्ट गैलरीज में, या फिर लोगों से बात करते हुए दिखाई देंगे कि कंजर्व करना कैसे है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसे बचाना है अपने प्लैनेट को, जो बहुत रिचेस है, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बहुत महत्व, क्या बोलेंगे हम रिचेस को, ये बहुत पैसे वाला नहीं बोल सकते, रिचेस का मतलब होता है बहुत सारी इम्पॉर्टेंट अमूल्य चीज़ है, बहुत अमूल्य है। ठीक है, देखते हैं शाज क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस दौरान। जैसे ये CNN ट्रैवल बुक से निकाला, मैगजीन से निकाला गया है। शाज रिकॉल्स विद ग्रेट क्लैरिटी द इंसिडेंट दैट अल्टीमेटली लीड्स टू हिज आंसरिंग द कॉल ऑफ फेलाइंस। फेलाइंस का मतलब होता है जो कैट फैमिली के मेंबर्स होते हैं। ओके, कैट फैमिली, मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली आप बोल सकते हैं, members of the cat family, cat family के members जो है, leopard है, cheetah है, tiger है। ठीक है, over a career dedicated to finance, यानी उनको इतना passion था इस jungle photography में या cinematography में या whatever he is doing now, कि उन्होंने अपना अच्छा खासा finance का career छोड़ के उन्होंने इसमें opt किया। It was somewhere around sunset, during the sunset, ये भी evening का समय, संध्या का समय, we were at a junction, the deer were calling, he says, we went around a blind turn. ये एक incident बता रहे हैं शाज जंग जो है, वो एक incident बता रहे हैं जहाँ पे during संध्या, यानी sunset के time, during the evening, sunset, during the sunset, वो एक जंक्शन में थे जहाँ पे डियर पुकार रहे थे, और वो पुकारते मतलब डियर पुकार रहे थे, और इन वो आवाज़ सुनते सुनते उन्होंने एक ब्लाइंड टर्न ले लिया, यानी उन्होंने वो रास्ता भूल गए या भटक गए या गलत रास्ता ले लिया। ही कंटिन्यूज एंड अप अहेड ऑन द पाथ वॉज द ओल्ड लेपर्ड। जब वो जा रहे थे, रास्ता भटक गए, गलत टर्न ले लिया, तो उन्होंने एक ओल्ड लेपर्ड को देखा वहाँ पे।
यू कुड टेल ही वॉज पास्ट हिज प्राइम. पास्ट हिज प्राइम मतलब उसका जो समय था वो नहीं है, हो गया उसका समय. यानी एक टाइम पे ही मस्ट बी रूलिंग द जंगल. वैसे तो लायन है किंग ऑफ द जंगल, पर वो जंगल, हर जंगल की अलग कहानी होती है. तो ये जंगल का जो उम्बरजारा का जंगल था, यानी ये तो उम्बरजारा का नहीं, जंक्शन जंगल की बात कर रहे हैं. वहाँ पे जो जंगल था, जो जंगल में वो गए थे, वहाँ पे उन्होंने देखा कि ये जो पहले राज करते होंगे, जो लेपर्ड ओल्ड राज करते होंगे, पर अब उनका समय ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है. मैंने पहले करते थे, अब उनका प्राइम टाइम ख़त्म हो गया है. द जंगल हैड टेकन अ टोल ऑन हिम. ही हैड थ्री कैनाइंस. थ्री कैनाइन मतलब जो उसके शार्प टीथ होते, कैनाइन टीथ होते, वो सिर्फ तीन बचे थे. यानी आप समझ सकते हो कितने ओल्ड हो गया है वो. द जंगल नाउ व्हाट इज इट सेइंग अबाउट द जंगल हैड टेकन अ टोल ऑन हिम. ही ओनली हैड थ्री कैनाइंस. हिज आईज वेयर सैगिंग. सैगिंग मतलब ऐसे ड्रुप हो जाना. ओके. क्लोज टू हिज लेपर्ड वॉज अनदर वेरी यंग गुड लुकिंग मेल who was soon to become into his prime. अब वह उनके बाजू में जो था एक हैंडसम सा, क्यूट सा यंग लेपर्ड था, जो देख के ही लग रहा था कि नेक्स्ट जो प्राइम टाइम है इसी का है. यानी यही बनने वाला है जंगल का राजा. इट वॉज लाइक लुकिंग एट द पास्ट एंड द प्रेजेंट. वो दोनों को देख के ऐसे लग रहा था ये पास्ट और ये प्रेजेंट है. देखते हैं आगे क्या हो रहा है. It was clear, like looking at the past and the present, it was clear that there was going to be a fight. इससे पता चल ही रहा था कि फाइट होने वाला है. जो जीतेगा वो प्राइम, उसका प्राइम टाइम होगा. Unfortunately, the sun was setting and we had to leave. लेकिन फाइट देखने के लिए वो रुक नहीं सकते थे, क्योंकि रात हो गई थी, संध्या हो गई थी, रात होने आया था, तो जंगल तो उन्हें छोड़ना ही था. तो वो वहाँ रुक नहीं पाए, क्योंकि लेकिन उनको ये अंदाज़ा हो गया था शाज को कि यहाँ पे फाइटिंग तो बिल्कुल होने वाला है. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट बैक टू द स्पॉट. लेकिन दूसरे ही दिन वो स्पॉट पे पहुँचे. सिटिंग ऑन अ हाई रॉक वॉज दैट यंग लेपर्ड. जहाँ पे जो ओल्ड लेपर्ड बैठे थे वहाँ पे अब यंग लेपर्ड बैठे हैं. ब्लड वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम अ गैश अक्रॉस हिज फेस. अब ये जो गैश है मतलब डीप कट होता है, आपको दिया होगा लॉन्ग डीप कट. ओके. वहाँ से प्रोफ्यूजली ब्लीड होने रहा, मतलब ब्लीडिंग होने रहा, हो रहा था. ही सैट देयर लाइक ही वॉज किंग ऑफ द जंगल. आई न्यू राइट देन दैट ही हैड टेकन ओवर, दैट इट वॉज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी फॉर हिम एंड फॉर मी. अब फॉर हिम तो समझ में आया, फॉर मी का मतलब क्या हुआ, राइट right? वापस से पढ़ते हैं. गैश अक्रॉस हिज फेस. ही सैट देयर लाइक ही वॉज किंग ऑफ द जंगल. मतलब वो जंगल का राजा है, ऐसे उसे लग रहा था, उसको देख के लग रहा था. आई न्यू राइट देन दैट ही हैड टेकन ओवर. यानी उसने राजा की जो जगह है उसने ले लिया है. दैट इट वॉज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी फॉर हिम. मतलब उसके लिए एक नई शुरुआत हो गई है. अब एंड फॉर मी का मतलब क्या हुआ. एंड फॉर मी का मतलब हुआ कि शास की जो जर्नी है उसके साथ शुरू होगी. उसका जो जर्नी फ्रॉम किंग, वो क्या करता है सुबह से शाम, क्या करता है, उसके फ्रेंड्स कौन है, जो यंग टाइगर है उसके ऊपर शास का पूरा फोकस होगा. अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है. Photographs of the leopard, the victor, Scarface, as Shaz named him. Scarface और victor उस बंदे का नाम है जो टाइगर, छोटा वाला जो लेपर्ड है जो अब किंग हुआ है. उस क्यों उसको उसका नाम Scarface रखा या victor रखा. victor क्योंकि वो जीत गया, और Scarface क्योंकि उसके गाल पे जो दाग आ गई थी, एक गैश जिसको बोलते हैं वो आ गया था, इसी वजह से उसका नाम शाज ने स्कारफेस रखा था. नॉट ओनली मेड शाज फेमस अमंग इंडियंस वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी, बट ऑल्सो लेड टू शाज एनएवियबल रेपुटेशन एज क्रॉनिकल. क्रॉनिकल का मतलब होता है समवन हु
इंसिडेंट्स जो होते हैं, जो जंगल में जो भी इंसिडेंट्स हुआ होता है, एक के बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो लोग लिखते हैं इसको, इसी वजह से इनको क्रॉनिकल बोला जाता है ऑफ द वाइल्ड, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ के बारे में लिखते हैं। तो एक के बाद, जैसे अभी ये बचपन से लेके उनका ओल्ड एज तक, जो स्कारफेस है, जो विक्टर है, उनके बारे में शास लिखेंगे या उनकी फोटोग्राफीज लेंगे, सिनेमाटोग्राफी बनाएंगे, उसका एक लैंडस्केप बनाएंगे और वो प्रस्तुत करेंगे हमें। जैसे डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल्स होता है, उसमें कैसे दिखाया गया कि बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो किसके साथ रहते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, तो वो कैसे शिकार करते हैं, ये सारी चीज़ें वन बाय वन जो करते थे शास, उसमें शास ऐसे करते थे। उन्होंने सब किसके लिए किया है, वो विक्टर यानी स्कारफेस के लिए, क्योंकि स्कारफेस जो थे वो बचपन से ही शास ने उसके फोटोग्राफ लेना शुरू कर दिया था। अब थ्रू माई जर्नी ऑफ फोटोग्राफिंग स्कारफेस आई हैव डिस्कवर्ड अदर लेपर्ड्स हिज मेट्स and has discovered his nemesis tigers. I also discovered the current protagonist of my work. अब यहाँ तक देखते हैं हम कि यहाँ पे जब स्कारफेस उसके इनके लाइफ में आए, शाज के लाइफ में आए, तो उनकी जो फोटोग्राफी करते थे वो, तो उनके साथ साथ जब स्कारफेस के पीछे पीछे जाना होता है तब वो बहुत सारे अदर लेपर्ड्स को भी उन्होंने देखा, बहुत सारे अदर लेपर्ड्स को भी उन्होंने जाना, उन्होंने उनके रहन सहन भी देखा, वो कैसे ट्रैकिंग उसको ट्रैक करते थे स्कारफेस को, तो पता चलता था स्कारफेस किसके साथ खेलते हैं, किसके साथ खाते हैं, किसके साथ लड़ाई करते हैं, किसके साथ घूमते हैं, वो सारी चीज़ भी इन्होंने, मेट्स जो होते हैं, उनके फ्रेंड्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें स्कारफेस के द्वारा शाज को पता चली। इसी वजह से बहुत फेमस हुए शाज। उनको ये भी पता चला, आई ऑल्सो डिस्कवर्ड द करेंट प्रोटैगनिस्ट ऑफ माई वर्क, जो साया है, जो मैंने पहले ही बताया था आपको, वाइल ट्रैकिंग स्कारफेस, जब वो स्कारफेस से मिले, ट्रैक कर रहे थे या उनका पीछा कर रहे थे, उनके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे थे, तब वो साया से भी मिले। अब साया कौन है? दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक पैंथर, वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक पैंथर साया, द बिहेवियर ऑफ विच इज़ बींग डॉक्यूमेंटेड सो इंटीमेटली ऑन कैमरा। इंटीमेटली मतलब वेरी माइन्यूटली, यानी डिटेल्ड, एकदम डिटेल्ड और माइन्यूटली उसका, क्योंकि वो वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक पैंथर है जिसको शूट करने का मौका शास को मिला, तो वो बहुत शास के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ऑन कैमरा एंड बाई ट्रैकिंग इट्स मूवमेंट्स, सो फार ऑल रिसर्च ऑन द एनिमल्स हैज़ बीन डन थ्रू कैमरा ट्रैप्स। कैमरा ट्रैप्स क्या होता है? जो रात भर चलता रहता है और जैसे ही एनिमल्स उसके करीब आते हैं, यानी वो कहाँ पर लगा रहता है? पेड़ों पे लगा रहता है, कोई एक एक ऐसे जगह पे पोजीशन में लगा होता है जिससे एनिमल कैप्चर हो जाते हैं। जैसे एनिमल आता है तो कैमरा ऑटोमेटिकली उसको कैप्चर कर लेता है, तो उसको हम लोग इंटीमेटली जो डॉक्यूमेंट, कैसे होगा डॉक्यूमेंट्री, जो डॉक्यूमेंट्री हम देखते हैं वो कैसे कैप्चर होता है, इसी तरह कैप्चर होता है थ्रू हिडन कैमराज। थ्रू मैनी मंथ्स ऑफ टॉयल, टॉयल मतलब हार्ड वर्क, शाज हैज़ मैनेज टू कलेक्ट प्रेशियस फुटेज इंक्लूडिंग दैट ऑफ द एनिमल मेटिंग टू पीस टूगेदर द इनक्रेडिबल लैंडस्केप ऑफ अ ब्लैक पैंथर्स लाइफ। ब्लैक पैंथर के लाइफ के बारे में और भी जानेंगे, उनकी मेटिंग से लेके, उनका खेल से लेके, उनका हंटिंग से लेके, एवरीथिंग, क्योंकि वो वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक पैंथर, तो ये उन्होंने किया। शाज इसकी वजह से ही फेमस हुए, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से उनके सारे डॉक्यूमेंट्री क्रॉनिकल ऑर्डर, इसलिए उनको क्रॉनिकलर बोला जाता है। साया, स्कारफेस एंड पार्डस। पार्डस कौन है? पार्डस है वो जो ओल्ड लेपर्ड थे, जो बैठे थे, जो ओल्ड लेपर्ड, वो पार्डस है जिनको स्कारफेस ने हरा के प्राइम ले लिया अपना। द लेपर्ड दैट लॉस्ट टू स्कारफेस, पार्डस कौन है? द लेपर्ड दैट लॉस्ट टू स्कारफेस हैव ऑल्सो लेड शास डाउन अ डिफरेंट पाथ ऑफ डिस्कवरी। जो पार्डस थे उन्होंने भी शास को एक एक सीख दी। क्या डिस्कवरी किया शास ने उसमें, वो भी देखें। लर्निंग अबाउट देम एंड द लॉस टू देयर हैबिटेट हैज लेड शास टू क्रिएट द बफर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है BCRTI, बफर कॉन्फ्लिक्ट
रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मतलब होता है BCRTI. तो शाज क्या कर रहे हैं, लर्निंग अबाउट देम एंड द लॉस टू द हैबिटेट हैज लेड शाज ने ये क्यों क्रिएट किया, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हम जंगल काट रहे हैं या हम जानवर मार रहे हैं उनको, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, कभी डर से कर लेते हैं तो कभी ग्रीडीनेस के लिए कर लेते हैं, पर ये हम नहीं करना चाहिए. हमें सिखाने के लिए उन्होंने BCRTI किया, हमें सिखाना यानी विलेजर्स को सिखाना स्पेशली, क्योंकि विलेजर्स बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और उनको मारपीट करते हैं, कभी कभी मार भी डालते हैं. इट्स एन एजेंसी. क्या है BCRTI? इट्स एन एजेंसी educates villagers who live on the fringe yani edge, ekdam boundary mein, you can say the boundary, fringe matlab boundary of the forest, on the importance of conservation matlab protection, animals protection, the forest protection. We are in the heart of the man animal conflict zone, explains Shaz. There is no specific buffer zone here around the Nagar hole. अब नागर होल का ऐसा है कि ना एनिमल्स को पता है कि उनकी लिमिट कहाँ तक है, ना इंसान को पता है कि उनकी लिमिट कहाँ तक है, कहाँ से जंगल शुरू होता है या कहाँ से हैबिटेट ऑफ सिविलाइजेशन शुरू होता है, ये दोनों को ही नहीं पता. तो अब द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड्स वेयर द फील्ड्स बिगिन. तो जो एरिया है फॉरेस्ट का, जो कोर एरिया है, कहाँ ख़त्म होता है, जहाँ पे फील्ड शुरू होता है. फील्ड यानी उनके जो खेती बाड़ी है वो शुरू होता है. Explain Shaz, there is no specific buffer zone here around Nagarhol. The core area of the forest ends where the fields begin. In dry season, elephant and wild boar incursions matlab attack karte into fields are very common. तो जो ड्यूरिंग जो ड्राई सीजन होता है, समर सीजन होता है, वहाँ पे एलिफेंट और जो वाइल्ड बोर्स होते हैं, जो पिग्स होते हैं, बोर्स को पिग्स बोलते हैं, ब्लैक जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड बोर्स होते हैं, वाइल्ड पिग्स को बोर्स, वाइल्ड बोर्स बोलते हैं, तो वो भी आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो खेती में गन्ना खाने आ जाते हैं, क्योंकि वो ड्राई टाइम होता है, तो उन्हें भी कुछ खाने वाने के लिए चाहिए होता है, तो वो फील्ड्स में आ जाते हैं. ओल्डर लेपर्स लाइक पार्डर्स हु हैव लॉस्ट टेरिटरी इन द फॉरेस्ट ऑफ्टन कैरी अवे लाइफ स्टॉक फ्रॉम विलेजेस. अब वो जो ओल्ड हो जाते हैं, पार्डर्स जैसे ओल्ड जो अपने राजा का जो होने का जो प्राइम उनका चला जाता है, जो प्राइम टाइम रहता है उनका चला जाता है, तो वो जंगल में हंट नहीं करते, वो फिर विलेजर्स के लाइफ स्टॉक यानी भेड़ बकरी गाय सब उठा के ले जाते. दिस क्रिएट्स रिसेंटमेंट अमंग लोकल्स टूवर्ड्स द एनिमल्स ऑन ओकेजन, लीडिंग टू अनप्लेजेंट सिचुएशंस. अब क्या करते हैं, इसी वजह से बहुत सारे विलेजर्स हैं वो एनिमल्स को मारने चले जाते हैं, गुस्सा आता है उनको एनिमल्स के ऊपर, क्योंकि उन लोग उनके लाइफ स्टॉक को भी उठा के लेके जाते हैं. अब थोड़ी पता होता है जानवर को क्या हो रहा है क्या नहीं. पुटिंग टूरिस्ट करेंसी टू अ गुड यूज अंडर द BCRTI अम्ब्रेला, शास प्रोवाइड्स लोकल्स विद वोकेशनल ट्रेनिंग. तो वोकेशनल ट्रेनिंग देते, BCRTI के अंडर में क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, किस बात की होती है. With the aim of educating locals on the merits of conservation and help them benefit from tourist currency. अब टूरिस्ट विलेज में आके क्या फ़ायदा करते हैं या जंगल में आके क्या फ़ायदा होता है, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है. जब जंगल के पास अगर कोई विलेज है और टूरिस्ट आते हैं जंगल में, तो विलेजर्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है क्या, अगर वो वहाँ पे एक रिसॉर्ट है या लॉज है या कुछ है, ऑफकोर्स विलेजर्स के ही होंगे वो, तो वो टूरिस्ट वहाँ आके रुकेंगे, उनका खाना खाएंगे, वहाँ पे जो भी आर्टिफैक्ट्स होता है या कोई भी कल्चर होता है, जैसे वीवर्स है वहाँ पे, पॉटर्स है वहाँ पे, या कोई ऐसी चीज़ें बनाते होंगे जो हैंडीक्राफ्ट होता है, हैंडमेड होता है, तो ऑब्वियसली टूरिस्ट वहाँ से ख़रीदते हैं. तो इसमें फ़ायदा किसका होता है, विलेजर्स का ही होता है. अगर जंगल में एनिमल्स देखना होता है, विलेजर्स को ही पता होता है कौन सा एनिमल किस टाइम पे बाहर निकलता है या किस टाइम पे वो कहाँ सोया रहता है या कहाँ पानी पीने जाता है या कहाँ बच्चों के साथ खेलता है या कहाँ हंटिंग करता है, तो ये सब देखने के लिए हम टूरिस्ट जो होते हैं वो हमेशा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि हमने तो कभी ये सब कर देखा हुआ नहीं होता. बाहर से भी जो फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं स्पेशली देखने के लिए टाइगर्स एंड लेपर्ड्स ऑफ इंडिया, तो नॉर्मली वो पे करते हैं विलेजर्स को जस्ट टू वॉच देम, जस्ट टू सी द एनिमल्स अराउंड. सो जो सामने सामने हम लेपर्स और उसको देखेंगे तो एक नया ही फीलिंग होता है. तो इसी तरह टूरिस्ट
का अगर बड़ा है, टूरिस्ट का जो फ्रिक्वेंसी बढ़ता है विलेजेस के पास, तो उनकी करेंसी भी बढ़ती है। तो करेंसी अगर फॉरेन करेंसी आती है तो बात ही क्या है, लेकिन इंडियन करेंसी भी आ रहा होगा तो उनके लिए तो वो फायदेमंद ही है। तो यही BCERTI जो सिखा रही है उनको कि वॉट इज़ द स्किल, द विजिटर्स एट द रिसॉर्ट आर वेलकम टू वॉलंटियर टू टीच स्किल्स ट्रेनिंग क्लास ऑफ देयर चॉइस। देयर एक्वायर्ड स्किल्स एनेबल लोकल्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट विथ एनी ऑफ द न्यूमरस वाइल्ड लाइफ रिसॉर्ट इन द रीजन, इफ नॉट इन अ फार अवे सिटी। नाउ माडेगावड़ा इज वन ऑफ सच लोकल एग्रीकल्चरिस्ट हु इज ट्रेन्ड एट BCERTI एंड इज नाउ अ सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट एम्प्लॉयड बाय द बाइसन। इन द पास्ट आई हैव ऑलमोस्ट 80% ऑफ सीजन्स ईल्ड ऑफ शुगर केन टू सच एनिमल अटैक्स। आई यूज टू हेट देम। तो माडेगौड़ा जो है वो बोल रहे हैं कि जब मैं शुगर केन ईल्ड करता था तो 80% वो एनिमल से लोग ही खा के चले जाते थे, अटैक करते थे और खा के चले जाते थे। तो उनको बहुत हेट्रेस ही होता था एनिमल से। बट नाउ आई हैव लर्न्ड, अभी उन्होंने सीख लिया है हाउ इम्पॉर्टेंट दिस एनिमल्स आर एंड द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग देम। ही सेज आई हैव नोन दीज जंगल्स फॉर 35 ईयर्स। अब 35 साल से वो इस जंगल को जानते हैं। आई नो वेयर द एनिमल्स आर एंड आई रियलाइज आई कैन गाइड विजिटर्स एंड गेट पेड फॉर इट। इन अ वे द एनिमल्स आर पेइंग मी बैक। जैसे मैंने बोला आपको कि अगर आप एनिमल्स हैं वहाँ पर और आप जहाँ देख रहे हो कि एनिमल्स का जो सिचुएशन है अगर वो अच्छा है वहाँ पे, एनिमल्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, स्पीशीज बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो ऑब्वियसली लोग जंगल जाना जाना पसंद करेंगे, एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे एनिमल्स कैसे हैं, हेल्दी है और खेलते हैं, फले फूले हुए लोग हैं वहाँ पर, तो ऑब्वियसली टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे। टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो करेंसी ज़्यादा बढ़ेगी, तो उनकी इनकम ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट भी आएगा उनके पास। सो देर आर वेज टू कंजर्व इट। ओके, तो दिस इज द वे द एनिमल्स आर पेइंग बैक टू मी। वॉट ही सेड, एनिमल्स आर पेइंग बैक टू हिम। क्यों, एनिमल्स देखने जाते हैं तो हम पैसा तो देते हैं, जीप का पैसा देंगे, प्रोटेक्शन का पैसा देंगे, एनिमल्स देखने का पैसा देखेंगे, राइट। द फॉरेस्ट हैव टॉट मी मैनी थिंग्स। फॉरेस्ट ने बहुत कुछ सिखाया हमें। अब उसे क्या क्या सिखाया उन्होंने? फॉर इंस्टेंस लिसनिंग इज अ सेंस फार मोर इम्पॉर्टेंट देन साइट। कभी कभार जो देखते हैं वो सही नहीं होता है, लेकिन जब आप सुनते हैं वो सही होता है। अब ये क्या बात हो गई, है ना? पर जब आप जंगल में जाते हो तो सुनाई देखना इम्पॉर्टेंट होता है कि कहाँ क्या आवाज़ आ रही है, कौन सा एनिमल क्या बात कर रहा है। तो जो जंगल में जो विलेजर्स है, वो जो हमेशा आते जाते रहते हैं, उन्हें पता होता है कि एनिमल्स क्या बात कर रहे हैं और इस वक्त में क्या बात होती है उनके बीच में। संध्या के समय अलग आवाज़ आती होगी, जैसे लंगूर जो उन्होंने अलार्म दिया, तो ये किसको कह, कैसे पता चलेगा? हमें तो ऐसे लगेगा कि ऐसे ही चिल्ला रहा होगा, लेकिन जो विलेजर्स है या फॉरेस्ट में जो आते जाते हैं जो वो, उनको तो पता ही होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को शायद समझ में नहीं आया, हमें लगा कि ओके ठीक है ऐसे ही कर रहे होंगे, बट इनको समझ में आ जाता है। तो दैट मीन्स वो सिखा रहे कि लिसनिंग इज़ अ सेंस फार मोर देन इम्पॉर्टेंट देन साइट। तो लिसनिंग सेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए हम इंसानों में भी लोग कहते हैं ना कि जो आपके सुने, मीन्स सुनने वाले लोग कम हैं, बोलने वाले ज़्यादा है, देखने वाले ज़्यादा है, पर सुनने वाले कम हैं। तो हमेशा हम ऐसे लोग को ढूंढते हैं जो हमारी सुने। सो यहाँ पे भी उसने से क्या सीखा है ऑथर ने या विलेजर्स ने, कि ये कि सुनना इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू स्विच ऑफ योर व्हीकल, सिट एंड लिसन, फॉर द फॉरेस्ट इज कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग थ्रू द वॉइस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ही एक्सप्लेन्स। अब यहाँ पे इनका एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब भी आप कोई फॉरेस्ट में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, वहाँ पे जब जीप लेके जाया जाता है, उन लोग लाइट वाइट सब बंद करके एकदम ये करके रहते हैं, आवाज़ बंद, एकदम साइलेंट में, ताकि आवाज़ें सुनाई दें। आप पानी के पास भी बैठोगे तो पानी के जो आवाज़ है वो भी डिफरेंट होती है, आप लिसन कर सकते हो। इंसेक्ट्स की आवाज़ें होती हैं वो डिफरेंट होती है। आप अगर देखा जाए तो आप बर्ड्स की आवाज़ें डिफरेंट होती हैं। हर टाइप के आवाज़ें आपको जंगल में सुनाई देंगी, लेकिन उसके लिए आपको साइलेंट रहना पड़ेगा। कैसे साइलेंट रहना पड़ेगा?
व्हीकल को स्विच ऑफ करना है आपको. सिट एंड लिसन फॉर द फॉरेस्ट इज कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग. कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, चलता ही रहता है, नॉन स्टॉप. थ्रू द वॉइस ऑफ बर्ड्स, थ्रू क्या, बर्ड्स के द्वारा एंड एनिमल्स के द्वारा वो बताते हैं. ट्रैकिंग एन एनिमल ऑल्सो टीचेज यू लाइफ लेसन्स. अब ट्रैकिंग ऑफ एनिमल्स और लाइफ लेसन्स में क्या कनेक्शन है? है, क्योंकि अब जब ट्रैक करते हो कोई चीज़ को तो आप पूरा फोकस करते हो उस पर, पूरा ध्यान देते हो उस पर, और जब फोकस, ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन होता है कोई चीज़ पे तो अचीव करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो आपकी ज़िद होती है. तो ट्रैकिंग ऑफ एनिमल्स जब होता है, जब आपको ट्रैक करना ही है वो एनिमल कहाँ पे, तो आप पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस सब उस पर लगा देते हो, क्योंकि वो आपका एम है. उसी तरह जैसे आप अभी 12th ग्रेड में हैं, जब अपनी फोकस आप पूरे सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट में लगाओगे, तब जाके आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव इन लाइफ क्लियर होगा. तो सेम थिंग दे आर सेइंग, लाइफ लेसन सिखाता है आपको. द ब्लैक पैंथर हैज़ टॉट मी पेशेंस. ब्लैक पैंथर ने, क्योंकि ब्लैक पैंथर के लिए वॉज फर्स्ट ब्लैक पैंथर था सोया, उसके लिए जो सॉरी साया है वो, तो उसके लिए जो ट्रेल उन्हें रखा था, वो ट्रैक कर रहे थे उनको, तो उसके लॉट ऑफ पेशेंस चाहिए था. तो ऐसे ही एनिमल एक दिन में बड़े नहीं हो जाते ना, तो उनकी हरकतें करना देखिए. तो उन्होंने क्या सिखाया ब्लैक पैंथर ने? पेशेंस. बट अबव ऑल इट हैज़ टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग. उसने ये भी कहा कि डिस्कवर करना स्टॉप नहीं करना चाहिए. अब डिस्कवर करना स्टॉप क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जंगल इतना बड़ा है, और जंगल की रिचेस, जो रिचेस वर्ड है उसमें, दे आर वेरी रिचेस, इट इज़ रिचेस, बिकॉज उसके पास बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, चाहे वो हर्बल हो पेड़ पौधे के तौर पे, पानी के तौर पे, या कोई भी डिफरेंट स्पीशीज, यानी एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते. आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे जंगल को, उतना ही ज़्यादा आपको डिस्कवरी में आपका डिस्कवर होता रहेगा. इसलिए डिस्कवरी चैनल बोल के एक चैनल आता है, जिसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि जो चीज़ हमें नहीं पता वो भी हमको उसमें पता चल जाती है, क्योंकि वो डिस्कवर करते रहते हैं. तो डिस्कवर कब करते हैं आप? कि कभी भी आपको स्टॉप नहीं करना है डिस्कवर करना. एंड तो जंगल के जो एनिमल्स भी आपको यही सिखाते हैं कि डोंट स्टॉप डिस्कवरिंग. There are just so many amazing experiences to learn and share with the world. एक small monkey जब अपने बच्चों को लेके इधर उधर घूमते रहते हैं, पॉकेट में रखते हैं, कभी आपका बुक उठा के लेके ले चले जाते हैं, तो कभी आपका वेफर्स लेके चले जाते हैं, तो कभी आपका बॉटल लेके, और बैठ के आप ही के सामने पीते हैं या आपको ही इमिटेट करते हैं, तभी बहुत सारी डिस्कवरी होता है. हमने डिस्कवर किया, अच्छा वो ऐसे भी करते हैं, ओके. बहुत सारे कैट्स होते हैं, बहुत सारे हमारे दिमाग में होते हैं कि कैट्स नाम से नहीं पुकारो तो कैट्स नहीं सुनते, यानी नॉर्मल हमारे जो घर की बिल्लियाँ होती हैं या स्ट्रे बिल्लियाँ होती हैं, जब आप उसको नाम से पुकारो तो वो नहीं सुनते, ऐसे हमें लगता था. बट जब हम लोग ने एक कैट को अडॉप्ट किया और देखा, तो मैंने देखा कि कैट्स भी समझते हैं, उनको नाम से पुकारो तो आ ही जाते, वो भी हमारी भाषाएं समझते, वो भी खेलते, वो भी हाइड एंड सीख खेलते, वो भी पकड़ा पकड़ी खेलते. ये हमने डिस्कवर किया, क्योंकि हम उसमें डिग करते गए, डिस्कवर करते गए. सो ओनली डॉग्स डजंट डू दैट, इवन द कैट्स हैव फीलिंग्स, द कैट्स हैव समथिंग. वी फील कि कैट्स बहुत रिजिड होते हैं या बहुत सेल्फिश होते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, दिस सेल्फ लव होता है उनका. सो देर आर सर्टन थिंग्स विच वी हैव नॉट डिस्कवर्ड, तो डिस्कवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो फॉरेस्ट है, और ये जो दो पार्ट हमने देखा, पार्ट वन एंड पार्ट टू, जो किरण जी का जो था, और प्लस आपके जो शाज के थे, उन्होंने दोनों ने अपने एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट इतनी अच्छी तरह से समझाया. जो पार्ट टू हमारा कहाँ से लिया गया था, ये देखिए यहाँ पे हमने पार्ट टू जो हमारा लिया गया था शाज के पास से. तो पार्ट वन लिया गया था हमारे इनसे, किरण पुरंदर जी से, जहाँ 400 डेज जो उन्होंने अपने जंगल में रखा था, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था उन्होंने. और पार्ट टू में हमने देखा CN ट्रैवलर मैगजीन में जो पब्लिश किया है लैंड रोवर इंडिया में, शाज जंग के बारे में, उनका एक इंसिडेंट के बारे में, ब्लैक कैट के बारे में, हमने बहुत कुछ देखा है इसमें.
ये जो आपका ये है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया फॉक्स के बारे में था, आई वॉज लोन फॉक्स जो क्वेश्चन था यहाँ पे, जो सेंटेंस था उसके बारे में भी आपको आई वॉज अ लोन हियर लाइक अ फॉक्स एक्सप्लेन द टर्म आपको पूछा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल इस प्रोज से पूछा जा सकता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जब भी पढ़ें तो उसे समझें, उसे दिमाग में रखें, रजिस्टर करें, मगिंग ना करें, क्योंकि आप मग करोगे तो आप स्टोरीज को समझ नहीं पाओगे। स्टोरी को समझें, उसे अपने भाषा में उसे समराइज़ करें, और उसके बाद भले ही ये पैराग्राफ में आए आपके सीन पैराग्राफ में, बट अगर आपको ऐसे कोई सवाल पूछा जाए, क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्सेज में सवाल बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, इसमें ऐसे सवाल भी आ सकता है कि जंगल में आपका एक्सपीरियंस क्या था, अगर आपको अगर कोई जंगल में छोड़ दिया गया तो क्या एक्सपीरियंस करोगे आप, जैसे पुरंदर जी के साथ हुआ, वो डर गए, वो फंबल हो गए, तो आपके साथ कैसे हो सकता है, आप क्या रिएक्ट करोगे उसके बारे में, या फिर आई वॉज अलोन हियर लाइक अ फॉक्स इसके आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना होगा, या फिर आपको एक क्वेश्चन और था जहाँ पे सिल्वर लाइनिंग वाला सिल्वर लाइनिंग की बात आई थी, वो वाला आपको पूछा सकता है, व्हाट यू मीन बाय द सिल्वर लाइनिंग टर्म, या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द हार्ट कंटेंट। सो देर कैन बी मैनी क्वेश्चंस आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस। तो किसी भी चैप्टर को प्लीज़ आप इजी मत लीजिए, सारे चैप्टर्स को थॉरली पढ़े, उसको समझे और फिर उसका समरी बनाए, फिर उसके बेस्ड में क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाए आपको। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर लाइक कीजिए, बेल बटन को हिट करना ना भूले, और प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो व्हाट्सएप पे बिल्कुल आप टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब बिल्कुल दे देंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।